जिनका नेचर ऐसा है कि मुझे लगता है यार हर कोई इनका बेस्ट फ्रेंड होगा। हाँ शेर दा जिगर है जी, लेकिन कोई एक खास है जो अली शेर के दिल के किसी खास कोने में बसर करता है। वैसे उनकी साइज देख के आपको लगेगा नहीं कि कोई वैसे उनके दिल के कोने में फिट होगा। मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत भी अली शेर जैसी है। अरे यार वो इस मंच पर कुछ हफ्ते पहले थे और जिस तरह आजकल अली शेर सबको हंसाते हैं वो भी उसी तरह सबको पहले हंसाया करते थे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अली शेर के बेस्ट फ्रेंड सिंगिंग स्टार हरनूर का। किसी को गले लग के लगा, एक्चुअल में कोई गले लगा। हनूर क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से इस मंच पे। थैंक यू सर। क्या बात है यार, आपने बिल्कुल ऐसी छाप छोड़ी है, वो भी खूब हंसाते हैं सबको आप ही की। मैंने ही बोला था। अच्छा जी। क्या बात है। तो कोई खास बात इनकी जो आप बताना चाहेंगे हमें, और दोस्ती कैसे हुई आप दोनों की? हम दिल्ली में मिले थे सर, दिल्ली ऑडिशन में। तो इसे मैं मिला और इसने बड़े प्यार से रिस्पांस दिया और ये भी समझ गया कि मैं कौन हूँ, मैं भी समझ गया कि ये कौन है, मैं इसे अपने कंधों पे उठाना चाहता हूँ। ओ क्या बात है जी। हनूर एक काम करते हैं, एक बार बढ़िया सा परफॉर्मेंस हो जाए इनका जी, जी, उसके बाद ये कंधे वाला आइटम, ठीक है जी? अगर गंदा गाया अच्छा गाया तो हनूर उठाएगा, गंदा गाया तो ये हनूर। बिल्कुल ये ठीक है, ये तो उठ जाएगा सर। हनूर एक काम करो यार, आज तुम पार्टिसिपेंट्स में जाके आराम से बैठो, ठीक है? यानी हमारे सिंगिंग स्टार्स के साथ। ओके, और अब मैं कहूंगा जोरदार तालियां हो जाए हमारे आए हैं अली शेर जी के लिए। अली शेर जी तैयार है पूरे? है जी, एक बार जोरदार ताली अली शेर के लिए। हाँ
शेर, ओहो हो, पूरा खो गए। शेखर, क्या कहते हैं आप? ये कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी। थैंक यू सर। और आप में एक कंपोजर है, आप जो स्टाइल्स, जो बातें कहते हैं, पता लगता है कि आपने ऑन द स्पॉट बनाई है, आप रिहर्स करके नहीं आए हैं। ये खूबी बहुत कम लोग में होती है और वो आप में है। और अंतरा, ये जो इतना लो से इतना हाई तक जाता है जो आप लेके गए, ये जो रेंज आपकी है, सुभान अल्लाह, कमाल। थैंक यू अली साहब, आप अपने जो आपके उस्ताद हैं उनका नाम बताइए जो पाकिस्तान। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मेरे उस्ताद जी जनाब एजाज कैसर जी, ये सब उनकी मेहरबानी है। मुझे लिया सर, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, वो अपनी मिसाल आप हैं जी। बस ये तो ये उनकी मेहरबानी एजाज कैसर साहब की, उनका अपना गाना बहुत उम्दा है, बहुत कमाल है। और आप जो जो बड़ा रंग गाते हो, इसको बहुत मुश्किल होता है, बड़ा रंग गाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ये तभी गाया जाता है जब किसी की दुआएं लग जाएं, करम हो जाए, तो बड़ा रंग गाया जाता है। और अगर इसको स्टूडियो में कोई अच्छी तरह टाइम दे तो और कितना कमाल गाने निकालेगा ये। सर बहुत मेहनत, आप इतना अच्छा गा रहे हो। मैंने एक टाइम पहले भी कहा था कि ये मंच, जो सुनकार लोग हैं और जो जानबकार लोग हैं, वो ये ज़रूर कहें कि अली शेर नाम का लड़का यहाँ आके गया। सब आपकी दुआएं। तो सेंटिमेंटल नहीं करना चाहता मैं, और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट को आपने बुलाया है, और ये क्रिकेट ब्रेक उसको मैं देना चाहूंगा। मेरा भी हरनूर को फिर से सारे दे। क्या बात है हरनूर, यू डिजर्व अ किटकैट ब्रेक। एक से कुछ बनने वाला नहीं है, यू डिजर्व किटकैट ब्रेक्स। यार अनूर, यार अब एक बात बताओ, तुम तो इतना खूबसूरत गाते ही हो, आज अली शेर ने भी बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा तो अब तो बनता है कंधे पे उठाना यार, तो हो जाए यार। हाँ बिल्कुल, अरे यार कमाल यार, हाँ भाई बोलो। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए इनकी दोस्ती के लिए यार।
अली अब आप बताएं कि आपके यार यानी हरनूर को ही क्यों मिलनी चाहिए यारी की गाड़ी? सर मैं कहना चाहूंगा बाइक पे सिर्फ यही जचेगा मुझे लगता है, और कोई जच नहीं सकता। ऑडियंस अगर आपको लगता है कि हरनूर को ही मिलनी चाहिए यारी की गाड़ी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इन्हें दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट्स यहां पे कीजिए। और अब जरा जानेंगे जनता का फैसला। तो हरनूर ये आप बताइए क्या अली आज सेफ है या अनसेफ? अली शेर तू मेरे तू आज अनसेफ है। अली शेर आज अनसेफ है यानी जनता का फैसला कि अली शेर आज आपको अनसेफ जोन में जाके बैठना होगा। तो अली शेर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द लक। एंड हरनूर थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे आए, जोरदार तालियां इनके लिए और इनकी दोस्ती के लिए। थैंक यू।